कृषि कानूनों के बारे में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने किसानों के साथ रैली का ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पवई के तत्वावधान में प्रदेश सचिव वीरेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। यह रैली सलेहा मोड़ से प्रारंभ हुई, जो नन्ही पवई मिलोनीगंज बस स्टैंड से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची, जहाँ एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताया और इसका विरोध गांव-गांव में करने की बात कही। एसडीओपी रक्षपाल सिंह यादव, थाना प्रभारी एसपी शुक्ला सहित आसपास के क्षेत्रों का पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौजूद रहा। इस किसान रैली में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे। पन्ना से चरणजीत बंजारा की रिपोर्ट। सरकार का दायित्व नहीं है कि जब लाइट आपको देना है तो सुबह 8 से 8 की जाना चाहिए कि नहीं? हाथ उठाओ। मैं अपने किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि अब जमीन जब चुका है, अब आंधियां हो या तूफान, उसे टकराने का कोई खौफ नहीं। हम तो कफन बांध चुके हैं अब किसानों के सम्मान में। आज लेकिन भारत सरकार ने जो 3 कृषि विधेयक लागू किए हैं, 3 अध्यादेश जारी किए हैं और उसके खिलाफ किसान आंदोलित है, पूरे देश के किसान इसका विरोध कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी किसानों के पक्ष में इन काले कानूनों को वापस लेने के लिए महामहिम राष्ट्रपति के नाम हमने आज SDM पवई को ज्ञापन सौंपा है। पवई नगर में रैली भी निकाली है और आमसभा भी की है। हम आज इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ये काले कानून वापस लिए जाएं और किसानों से उनकी स्वायत्तता न छीनी जाए। लगातार आंदोलन चल रहे हैं और कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? इस पर हम ये कहेंगे कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलोकतांत्रिक हो गए हैं और वो तानाशाहों की तरह जनता के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जो कि अत्यंत निंदनीय है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।